हेलो फ्रेंड्स, आज दी इस वीडियो जरिए मैं तुहानू दसन जा रही हाँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो यह रिफ्यूज़ होने के की कारण ने, क्योंकि साढ़े को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों का यही क्वेश्चन होंगे कि साड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ होया। तो तुहानू दसन जा रही हाँ मेन कारण की ने वीज़ा रिफ्यूज़ होने, स्टडी वीज़ा। तो यह वीडियो जिहड़े बच्चे ने इस वीडियो के आंसर लेने ने, तो वीडियो पूरा ध्यान सुन ता कि उन्होंने आंसर मिल सकन। साड़ी कोशिश यही होंगी है कि जिहड़े बच्चे अगों हुण फाइल लगाना चाहते हैं वह ये गलतियां ना करन, तां कि उन्हां दा वीज़ा रिफ्यूज़ ना होवे अते उन्हां दे पैसे बर्बाद ना होण। मैं जिहड़ा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के थोड़े कारण ने, तीन चार कारण ने, जिहड़े तुहानू मैं पूरे डिटेल दे विच समझाउण जा रही हाँ। सब तो पहला हैगा तुहाडे जिहड़े फंड ने गे, इन्हां दे विच कई वारी कोई उच नीची हो जाती है, उहदे करके तुहाडा जिहड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हुण दसांगे जिहड़े सब जिहड़े कंट्री ने अलग अलग, जिवें कनेडा हो गया, आस्ट्रेलिया हो गया, तो न्यूजीलैंड हो गया। तो की है, ये कंट्रियां ने इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग फंड शो करन लई किया स्टूडेंट नूं, जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा लगाना है। किसी कंट्री ने 20 लख किया है, किसी कंट्री ने 15 किया है, किसी ने 25 लख किया है। तो हर सारे कंट्रियां की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सारे कंट्रीज़ ने शो किया होया भी इन्ना इन्ना फंड स्टूडेंट ने शो करने ने स्टडी वीज़े के लिए। तो जिहड़े तुसीं ये फंड शो कर रहे हो, जिहड़ी भी ये स्टेटमेंट तुसीं बैंक की शो कर रहे हो, बेशक ये स्टेटमेंट जिहड़ी है ये तुहाडी अपनी होवे, तुहाडे पेरेंट्स की होवे, तुहाडे ग्रैंड पेरेंट्स की होवे, जां तुहाडे ब्रदर की होवे, सिस्टर की होवे, ईवन कि चाहे तुसीं स्टेटमेंट अपने नाना नानी की शो कर रहे हो। बट ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ये मोस्टली की हुंदा है, पुरानी नहीं हुंदी। इस की हुंदा, ज़्यादातर जिहड़े फ्रैश स्टेटमेंट शो की जाती है तो वह फ्रैश फंड ही हुंदे ने, जां फिर जो फंड तुसीं शो किते ने उहदे नाल तुसीं उसकी इनकम प्रूफ अटैच नहीं करते। तो यह गलती काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कर लेंदे ने। सो इनकम प्रूफ अते फंड्स दी नाल नाल जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर तुसीं फंड्स दी अते इनकम दे जिहड़े प्रूफ ने तुहाडी उहदी जस्टिफिकेशन नहीं करते, तां तुहाडे वीज़ा दे रद्द होण दे काफ़ी ज़्यादा चांसिज़ ने। तो कोशिश करो जिहड़े तुसीं फंड शो कर रहे हो वह फंड पुराने होण, अते ओ फंड इनकम जिहड़े प्रूफ ने उहदे नाल जस्टिफिकेशन होना उहनां दी बहुत जरूरी है। यह पहला मेन कारण मन्निया जांदा है स्टूडेंट वीज़े दे रद्द होण दे। इस कारण करके काफ़ी स्टूडेंट दा जिहड़ा वीज़ा उह रिफ्यूज़ हो जांदा है। तां जिहड़े स्टूडेंट हुण नवें ने फाइल लगाउणा चाहुंदे ने, तां उह इहनां गल्लां दा ध्यान रखण। उस तों बाद अगे आ जांदा है जिहड़ा तुसीं कोर्स चूज़ करदे हो। मान लो तुसीं इंडिया दे विचों, अते इंडिया दे विच तुसीं स्टडी कीती हुई है नॉन मैडिकल दी, तो उस तो बाद तुसीं बी ए स्टार्ट कर ली बैचलर दे विच, तुसीं बी एस सी जां बी सी ए दा सब्जैक्ट नहीं चुने, तो मीनस ये हो गया कि जिहड़ा कोर्स तुसीं हुण चूज़ कीता है वह कोर्स तुहाडी प्लस टू दे सब्जैक्ट नाल मैच नहीं कर रहे, ये पढ़ाई तुहाडे प्लस टू दे नाल रेलेवेंट नहीं हैगी। इस तरह ही कनेडा दे विच हुंदा है, जदों तुसीं कनेडा दी अंबैसी विच अप्लाई करदे हो तां ओह जिहड़ा कोर्स तुसीं चूज़ कीता है उस कोर्स नूं तुहाडी पुरानी स्टडी दे नाल जिहड़ा वीज़ा ऑफिसर वो मैच करके देखदा है भी ये तुहाडी पुरानी पढ़ाई दे नाल मैच करदा है जां नहीं करदा। तां मैच करन तों भाव ये है, मैच करन तों बाद ही जिहड़ा वीज़ा ऑफिसर है फिर वो डिसीजन लैंदा है कि तुहानूं वीज़ा दित्ता जावे जां ना दित्ता जावे। सो कोर्स जिहड़ी तुसीं चॉइस करनी है वह तुहाडी पढ़ाई दे नाल रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। अगर तुहाडा कोर्स जिहड़ा तुसीं चूज़ कीता है वह तुहाडी प्लस टू की स्टडी दे नाल रेलेवेंट नहीं है, मैच नहीं करता, तो मोस्टली तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वह रिजैक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ कर दिता जाता है। तो कोशिश करो कि तुहाडा जिहड़ा तुसीं कोर्स चूज़ कीता है वह तुहाडी पुरानी पढ़ाई दे नाल रेलेवेंट होना जरूरी है। अगर किसी कारण करके तुसीं अपनी पढ़ाई नाल रेलेवेंट कोर्स चूज़ नहीं करते, तो फिर तुहानू की है उहदे नाल एक बहुत ही सॉलिड कवरिंग लैटर लगाउणा चाहिए। अगर तुहाडा जिहड़ा कवरिंग लैटर है वह सॉलिड नहीं होएगा तो तुहाडा वीज़ा रद्द होएगा। इन्हां गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस गल दा ध्यान नहीं दिंदे, इन्हां गल्लां करके ही काफ़ी बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उस तो बाद अगे आ जाता है, हुण देखो तुसीं काफ़ी ज़्यादा एजेंट ने ऐड वगैरह आती है, तो एजेंट ये कहिंदे ने कि असीं बच्चों नूं बिना आइलैट्स के बाहर भेजते हैं, असीं फलानी कंट्री भेजते हैं, असीं इस कंट्री भेजते हैं, जां फिर जिहड़े बच्चों के आइलैट्स के बैंड घट आए हैं वो बच्चे घट बैंड नाल भी आस्ट्रेलिया जा सकते हैं, जां कनेडा जा सकते हैं, जां न्यूजीलैंड जा सकते हैं। बट ऐसे एजेंट दीआं गल्लां विच आउण दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट इंग्लिश दी ही हुंदी है सारी कंट्रीज़ दी, क्योंकि वह फॉरन कंट्री ने अते फॉरन कंट्रीज़ दे विच मेन जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश दी हुंदी है। तो अगर तुसीं इंग्लिश दी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करोगे तो तुहानूं वीज़ा किस तरह मिल जाएगा, ये सोचने वाली गल है।
अगर स्टूडेंट ने आइलैट्स या पी टी या टू फिल के घट बैंड लेंदे ने तो ये नाल की होंगे बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसिस हो जाते हैं। अगर कंट्री की मंग के अकॉर्डिंगली तुहाडे बैंड घट आउंदे ने तो यह तुहाडी अपनी खुद ही कितना कितने कमजोरी है, तो इस कमजोरी नूं तुसीं स्टूडेंट ने आप खुद दूर करना है। अते वीज़ा अफसर भी यही देखता है कि जो मेन रिक्वायरमेंट बैंड की है वह तो बच्चे ने पूरी नहीं की, तो तुहानूं वो वीज़ा किस तरह दे दे, तो इस कारण करके भी बच्चों का वीज़ा जिहड़ा है वह रुक जाता है तो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो तुसी कोशिश करो, ये मेन रिक्वायरमेंट हर किसी कंट्री की है भी इन्ने बैंड बच्चे ने लैने लैने ने जो स्टडी वीज़े पर जाना है। जे अगर तुसी बैंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी करोगे तो तुहानूं वीज़ा किस तरह मिल जाएगा, इन्हां गल्लां दा तुसी ध्यान रखना है। उस तों बाद अगे आ जाता स्टडी का गैप। हुण जिहड़ा स्टडी का गैप है यह वीज़ा रिफ्यूज़ होने का मेन कारण मनिया गया। कई बार एजेंट कह देंगे ने कि अगर थोड़ा वीज़ा असी थोड़ा वीज़ा लगावे अगर थोड़ा स्टडी का गैप हैगा तो उस स्टडी के गैप नूं तुसी किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट बनवा लो उहदे नाल कवर कर देंगे। बट इस तरह नहीं हुंदा, किसी भी कोर्स के नाल तुसी अपना फर्जी सर्टिफिकेट शो करके अपना वीज़ा कवर करने की कोशिश करोगे तो यह गलत है, तो थोड़ा वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा ही होएगा, तो थोड़े जिहड़े पैसे बर्बाद होने ने वो अलग। तो इन्हें गलत ध्यान रखना है भी तुसी इस तरह अपना वीज़ा कवर अपना जो गैप है स्टडी गैप उन्होंने कवर करने की कोशिश नहीं करनी। मान लो तुसी कोई सर्टिफिकेट बनवाया है तुसी कहिंदे हो हाँ असी अपने स्टडी के गैप नूं कवर कर रहे हैं, तो जो जे अगर जो सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट UDC अप्रूवड कॉलेज तो लिया गया है या फिर AICT अप्रूवड यूनिवर्सिटी तो लिया गया हो ही वह सर्टिफिकेट वैलिड मनिया जाएगा। मान लो तुसी जो कोर्स किया प्लस टू बाद कोर्स किया तुसी कह रहे हो साडा गैप ना पवे तो तुसी रेगुलर क्लासां लगाईआं ने जां तुसी कोर्स किया वह कोर्स UDC अप्रूवड कॉलेज या AICT अप्रूवड यूनिवर्सिटी तो है तो वह सर्टिफिकेट वैलिड मनिया जाएगा। बेशक वो सर्टिफिकेट 3 महीने का कोर्स का ही क्यों ना हो, चाहे 3 महीने का हो या 6 महीने का हो। अगर काफ़ी बच्चे की करते हैं प्लस टू तो बाद शॉर्ट टर्म के कोर्स दिल्ली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे भी चलो फ्री नहीं बैठते असं शॉर्ट टर्म के कोर्स कर लें, तो शॉर्ट टर्म के कोर्स जोड़े ने तुम अगर वो करते हो तो वो की है वह बच्चों ASO का सर्टिफिकेट भी कई बार मिल जाता है। तो जोड़े ASO का सर्टिफिकेट है यह भी थोड़ा मतलब कि इस वीज़े वैलिड नहीं होएगा तो थोड़ा वीज़ा रद्द होएगा ही होएगा, इस कारण करके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो अपने स्टडी के गैप में फर्जी सर्टिफिकेट के नाल फिल करने की कोशिश ना करो, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो पैसे का नुकसान तो होएगा ही होएगा, तुहाडा वीज़ा भी रद्द हो जाएगा। तो इन गल्लां दा स्टूडेंट ने अगों ध्यान रखना है। उस तो बाद अगे आ जाता है मार्क्स। कई बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ने जिन्हां दे 10th या प्लस टू के मार्क्स 50% होंगे ने ओवरऑल, बट रिक्वायरमेंट मंगी गई है 60% की, तो फिर भी स्टूडेंट की करते हैं वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर देंगे ने कि शायद साडा स्टडी वीज़ा लग जाएगा। वो की करते हैं मान लो तुम ना करते 10-11 एजेंट को जाके आयो, अगर 9 एजेंट ने कहता ना भी तुहाडा वीज़ा नहीं लगेगा तो स्टूडेंट उन्हां 9 एजेंट वल ध्यान नहीं दिंदा, अगर 1 एजेंट ने कह दिता कि हाँ तुहाडी फाइल लग जाएगी तो स्टूडेंट उहदे ते यकीन करता है। 9 एजेंट तो उन्हें यकीन नहीं करना भी हाँ थोड़े नंबर घट ने तुहाडी फाइल नहीं लगेगी, जिहड़ा 10वां एजेंट है जिहड़ा कह रहा है कि हाँ मैं फाइल लगा दाँगा तो स्टूडेंट उससे यकीन करके अपनी फाइल लगा देता है। नतीजा की हुंदा है, तुसी पैसे लगाते एजेंट की फीस भी भरी उस एजेंट नूं पैसे दिते ने ते तुहाडी वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। उस तो बाद तुसी की कर रहे हो उस एजेंट दे विच गलती कर रहे हो, जदों कि गलती एजेंट की नहीं है तुहाडी खुद की गलती है, क्योंकि तुहानूं खुद नूं पता है भी हाँ तुहाडे नंबर घट ने तुसी फिर भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो इन्हां गल्लां दा तुसी ध्यान रखना है, तुसीं एजेंट नूं दोष नहीं दे सकते, इहदे विच गलतियां तुहाडियां खुद दियां ने। तो इन्हां निक्की निक्कियां गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना है, यह मेन 5 कारण ने, इन्हां कारणां करके ही स्टूडेंट वीज़ा रद्द हो जाता है। तो जिहड़े बच्चे फ्यूचर दे विच स्टूडेंट वीज़े लई अप्लाई करना चाहुंदे ने तो इन्हां 5 मेन गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना है तां कि तुहाडा जिहड़ा वीज़ा रद्द ना होवे अते तुहाडी फाइल बिल्कुल सही होवे अते तुसीं जल्दी स्टडी वीज़े ते कनेडा पहुँच सको। साडा मेन मकसद है कि तुसीं धोखाधड़ी तों बचो, तुहाडे पैसे बर्बाद ना होण, तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ ना होवे ते तुसीं घट समें दे विच कनेडा जाके सैटल हो सको। ते अगर तुसीं साडे नाल किस तरह की गलबात करना चाहुंदे हो तो पिछे दित्ते नंबर 9815101148 नंबर ते कॉन्टैक्ट करके गलबात कर सकते हो। होर ज़्यादा अपडेशन लैण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं लाइक अते शेयर करो। थैंक यू।